देखो, जो सोनार होता है, SONAR, तो सोनार में S और O क्या होता है? साउंड. क्या होता है? साउंड. NA होता है नेविगेशन एंड रेंजिंग. नेविगेशन एंड, और R क्या होता है? रेंजिंग. ठीक है ना. अब सोनार आता किस काम है कि आपको क्या निकालनी है? टू नो डेप्थ ऑफ सी. ठीक है. या फिर आपको डिस्टेंस निकालना है किसी अंडर सी ऑब्जेक्ट का, जैसे कि कोई सबमरीन. आया समझ में? तो इन सारी चीजों के लिए क्या होता है? सोनार यूज होता है. अब प्रिंसिपल क्या रहता है कि सपोज ये क्या है, एक शिप है, ठीक है ना, या ये एक ऐसी बोट है जिससे मैंने क्या करके रखा है, सोनार फिट करके रखा है, और ये किस काम आएगी? मुझे डेप्थ ऑफ सी निकालने के काम आएगी. और ये क्या है मेरा? सी बेड. ये क्या है मेरा? ये है सी बेड, ठीक है ना. अब यहां पर मैं दो डिवाइसेस लगाऊंगी. एक यहां लगाऊंगी ट्रांसमीटर, और एक इधर पे लगाऊंगी डिटेक्टर, और साथ में एक क्लॉक रख दूंगी. क्लॉक का काम क्या होगा कि ये टाइम क्या करे, मेजर करे. ये क्या करे? टाइम मेजर करे. अब होगा कुछ नहीं, अगर साउंड डिटेक्ट ट्रांसमीटर से क्या करेगा, नीचे जाएगा 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 जाएगा, जाते जाते कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? डी. और फिर ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा किसके पास? डिटेक्टर के पास. तो आने में भी डिस्टेंस कितना होगा? डी. और इसके जाने में, मतलब ट्रांसमीटर से रिसीव करते टाइम से लेके डिटेक्टर के डिटेक्ट करने वाले टाइम को क्या करेगी? ये क्लॉक रिकॉर्ड कर लेगी एज टी. ठीक है. तो मेरे साउंड ने, या रादर मेरे अल्ट्रासाउंड ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? तो हमने कहा देखो, गया डी, आया भी डी, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2D. ठीक है ना. और टाइम कितना लग गया इसको? तो हमने कहा वो तो क्लॉक में रिकॉर्ड किया था, कितना? टी. तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? 2D अपॉन में टी. इसका मतलब अगर मुझे डेप्थ यानी कि डिस्टेंस डी निकालना है, तो इस हिसाब से 2D क्या होगा? वी इंटू टी. और इस हिसाब से डी देखे तो कितना हो जाएगा? वी इंटू टी अपॉन में टू. क्लियर है? तो अगर आपको बोलते हैं कि एक सोनार है, वो एक वेव भेज रहा है जो इतने टाइम में क्या आ जा रही है, वापस आ जा रही है, तो आपको क्वेश्चन में 90% केसेस में वी देकर रखते हैं. अल्ट्रासाउंड की स्पीड पानी में होती है 1400 से 1500 के बीच. कभी 1460 दे देंगे, कभी 1475 दे देंगे, कभी 1500 दे देंगे, जो भी दे देते हैं. तुमको वी की जगह वो रखना है, टी तुमको क्वेश्चन में देकर रखेंगे. तुम्हें क्या निकालना है? डी निकालना है. तो पूरी कहानी इसकी किसके जैसे चलती है? एको के जैसे चलती है. इज दैट क्लियर? ठीक है. तो जब हम लोग किसकी बात करेंगे, जब हम लोग बात करेंगे कि अगर इसको हमको एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है, तो सोनार में कौन कौन सी चीजें लगती है, सोनार में कौन कौन सी चीजें लगती है? तो अपन पहली चीज कौन सी बोलेंगे? ट्रांसमीटर बोलेंगे. क्या बोलेंगे? ट्रांसमीटर. दूसरी चीज क्या बोलेंगे? डिटेक्टर. दूसरी चीज क्या बोलेंगे? डिटेक्टर. और फिर हम लोग क्या बोलेंगे? टाइम जो रहता है वो क्लॉक से पता चल जाता है. और जो बाकी हम लोगों ने ऊपर कहानी लिख दी है कि जाने का डिस्टेंस कितना डी, आने का भी डिस्टेंस कितना डी. ठीक है. तो अब मैं क्या लिख डिक्टेट कर रही हूँ इधर पे, समझ में तो आ गया है ना. अब हम लोग डिक्टेट क्या कर रहे हैं? इसकी लिमिट क्या, कि हम लोग सोनार कैसे यूज होता. ठीक है. तो क्या बोला? ट्रांसमीटर क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा, और ट्रांसमिट करेगा किसको? अल्ट्रासोनिक वेव्स को. ये वेव्स क्या करेगी? वाटर के थ्रू ट्रैवल करेगी, और सी बेड पे किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करके क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी. और ये रिफ्लेक्टेड वेव्स कौन डिटेक्ट कर लेगा? ये डिटेक्टर. अब जो डिटेक्टर है, इन सिग्नल्स को क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा, और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर लेगा, जिससे हम लोग को क्या मिल जाएगी? अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? इको रेंजिंग कहते हैं.
और ये किस किस काम आती है? सबसे पहला डेप्थ ऑफ सी निकालने के काम आती है, ठीक है ना, और पानी के अंदर कोई हिल है, कोई सबमरीन है, कोई वैली है, ये सारी चीजें निकालने के क्या होती है, काम आती है, ये सारी चीजें डिटेक्ट या चेक करने के काम आती है। इज दैट क्लियर? यहाँ पर तुम्हारा सोनार का कंसेप्ट क्या होता है, खत्म। हियरिंग एड कौन यूज करता है? वो लोग जिनको ढंग से सुनाई नहीं देता है। तो हियरिंग एड क्या होती है, कैसी डिवाइस होती है, जो किसके काम आती है, जिन लोगों को हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया है, ठीक है ना। तो पहली बात तो क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड डिवाइस होती है, ठीक है ना। अब इसके अंदर दो चीजें रहती है, एक रहती है माइक्रोफोन, एक रहता है स्पीकर और एक रहता है एम्पलीफायर। कौन रहती है, कितनी, तीन चीजें रहती है, तीन चीजें रहती है, कौन कौन सी? सबसे पहली कौन सी रहती है, माइक्रोफोन, ठीक है ना। अब ये जो माइक्रोफोन है ये क्या करेगा, साउंड, साउंड के सिग्नल्स रिसीव करेगा। क्या रिसीव करेगा, साउंड सिग्नल्स रिसीव करेगा। और ये साउंड सिग्नल्स माइक्रोफोन किसको दे देगा, एम्पलीफायर को दे देगा। एम्पलीफायर वर्ड से क्या समझ में आ रहा है, कि जिन साउंड सिग्नल्स का एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम होगा, एम्पलीफायर क्या करेगा, इन साउंड सिग्नल्स का एम्पलीट्यूड बढ़ा देगा, जिस वजह से इनकी लाउडनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये क्या करेगा, इस साउंड सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा। एम्पलीफाई करके ये इसको कहाँ भेज देगा, स्पीकर के पास। कहाँ भेज देगा इन सिग्नल्स को, स्पीकर के पास। और ये जो स्पीकर है, इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, ये जो साउंड सिग्नल थे, ये एम्पलीफायर के पास किस फॉर्मेट में जाएंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। किस फॉर्मेट में जाएंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स किसको दे देगा, स्पीकर को। और स्पीकर क्या करेगा, इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को काय में कन्वर्ट कर देगा, फिर से साउंड में। और जो बंदे को क्या है, सुनने में परेशानी है, वो आराम से ये साउंड क्या कर सकता है, सुन सकता है। इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जब कोई स्पीचीज स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड से चलती है, क्या करती है, जब कोई चीज स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड चलती है, स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, 340 मीटर पर सेकेंड, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो सुपरसोनिक स्पीड से चल रही है। किससे चल रही है, सुपरसोनिक स्पीड से। जब कोई चीज सुपरसोनिक स्पीड से चल रही है, जेट वेट सब ये लोग चलते हैं किस पे, सुपरसोनिक स्पीड पे, तो ये हवा में क्या करते हैं, और कुछ साउंड भी रिलीज करते हैं, तो ये हवा में एक तरह की वेव्स प्रोड्यूस करने लगते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, शॉक वेव्स। क्या कहते हैं, अरे बात समझ में। और ये शॉक वेव्स इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी स्ट्रांग होती है, कि घरों के कांच तोड़ सकती है, घर का जो पैनल्स रहते हैं टिन विन के, ये सारे भी क्या कर सकती है, तोड़ सकती है। तो ये जो है, जब कोई चीज सुपरसोनिक स्पीड से चलेगी और ऊपर से बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या करेगी, साउंड निकालते हुए चलेगी, तो हवा में क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, शॉक वेव्स। और ये शॉक वेव्स क्या रहती है, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, सोनिक बूम कहते हैं। क्या कहते हैं, सोनिक बूम। नहीं, बंकी की स्पीड तो बहुत कम होती है। जब हम लोग ह्यूमन ईयर की बात करते हैं, तो ह्यूमन ईयर में ना तीन पार्ट होते हैं, एक होता है आउटर ईयर, एक होता है मिडिल ईयर, और एक क्या होता है, इनर ईयर। आउटर ईयर में बेसिकली क्या आता है, तुम्हारा ईयर पिन्ना आता है। क्या आता है, ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना का ये रहा, ये क्या है, ईयर पिन्ना। इसका काम क्या होता है, अलग अलग डायरेक्शन से साउंड वेव्स को क्या करना, कलेक्ट करना। और ये सारी साउंड वेव्स कलेक्ट होगी कहाँ जाती है, ऑडिटरी कैनाल में जाती है। कहाँ जाती है, ऑडिटरी कैनाल में। अब ऑडिटरी कैनाल में जाते ही इसको सबसे पहले कौन दिखता है, ईयर ड्रम दिखता है। कौन देखता है, ईयर ड्रम। अब जब कोई भी साउंड वेव आती है तो वो कहाँ से आती है, तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। ठीक है, तो कंप्रेशन जब क्या करेगा, ईयर ड्रम को स्ट्राइक करेगा, तो उसमें हाई प्रेशर रहेगा, तो ईयर ड्रम कहाँ खुश होगा, अंदर। ईयर ड्रम कहाँ खुश होगा, अंदर। जब रेयरफैक्शन आएगा तो कंप्रेशन के पास हाई प्रेशर रहता है, वो ईयर ड्रम को कहाँ भेजेगा, अंदर। रेयरफैक्शन आएगा वो लो प्रेशर वाला होता है, तो ईयर ड्रम क्या आ जाएगा, अपनी नॉर्मल पोजिशन पे। अगर ये ऐसे अंदर जाएगा, नॉर्मल पोजिशन पे अंदर जाएगा, नॉर्मल पोजिशन पे अंदर जाएगा, नॉर्मल पोजिशन पे आएगा, तो ईयर ड्रम क्या हो जाएगा, वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएगा। जब ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा, तो मिडिल ईयर में तीन बोन्स होती है, कौन सी, हैमर,
एनविलॉन स्टिरअप, कितनी बोन्स होती है, हैमर एनविलॉन स्टिरअप। तो ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा तो हैमर वाइब्रेट करेगी, हैमर वाइब्रेट करेगी तो एनविल और एनविल वाइब्रेट करेगी तो स्टिरअप, ये सब एक दूसरे की वजह से वाइब्रेट करेगी और पूरे ईयर में क्या आ जाएगी, प्रेशर वेरिएशंस आ जाएगी। अब ये जो प्रेशर वेरिएशंस है ये कहाँ जाएगी, ये कोक्लिया में जाएगी, कहाँ जाएगी, कोक्लिया में जाएगी। कोक्लिया में ये प्रेशर वेरिएशंस, ये सारी प्रेशर वेरिएशंस काय में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, काय में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये सिग्नल्स क्या करेंगे, साउंड डिटेक्ट करेंगे, और ये सारे सिग्नल्स ये किसको दे देंगे, ऑडिटरी नर्व को, और ऑडिटरी नर्व ये सिग्नल्स को कहाँ लेकर जाएगी, ब्रेन के पास, जहां पर ब्रेन इस साउंड को क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा। आया समझ में, ये क्या है तुम्हारी वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर, विद दिस दिस चैप्टर इज ओवर।